रुचिज वर्चुअल कुकबुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरहर की दाल और उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए हम डालेंगे ड्रमस्टिक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अरहर की दाल विद ड्रमस्टिक। आधा कप अरहर की दाल, 2 टेबलस्पून लाल मसूर, 2 टेबलस्पून धुली मूंग, 1 टेबलस्पून धुली उड़द, इन सभी दालों को मिलाकर हम अच्छे से धो लेंगे। 3-4 पानी से हमने दाल को अच्छे से धो लिया है। प्रेशर कुकर में से डाल देते हैं। आधा लीटर इसमें पानी डाल दिया हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 बड़े टमाटर, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सरसों का तेल। अब हम दाल को पकाने रखेंगे। दाल में उबाल आ गया है, थोड़ी देर हम दाल को इसी तरह से पकने देंगे। दाल गल गई है, अब हमें इसमें डालनी है ड्रमस्टिक। तो पहले ड्रमस्टिक को साफ कर लेते हैं। बीच से काट कर इसका रेशा निकाल रहे हैं। जितना रेशा आराम से इसका निकलता है उतना हमने निकाल लिया। ड्रम स्टिक को हमने छील लिया है, रेशे जितने भी थे हमने निकाल दिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 ड्रम स्टिक, साथ ही इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड वाटर, 2 कप पानी। एक बार फिर से इसे पकाने रखेंगे। ड्रमस्टिक डालने के बाद एक विसल आते ही हम हीट ऑफ कर देंगे। इससे हमारी ड्रमस्टिक गल जाएगी लेकिन घुलेगी नहीं। डेढ़ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून नमक को अच्छे से मिला लेंगे। एक बॉईल आने के बाद हीट ऑफ कर देंगे। 1 टेबलस्पून घी, 1 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हरा धनिया। ड्रमस्टिक वाली स्पेशल अरहर की दाल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पौष्टिकता से भरी ड्रमस्टिक की ये अरहर की दाल आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। इसी तरह की डिफरेंट पौष्टिकता से भरी रेसिपीज के लिए रुचिज वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।